चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। तभी मैं सोचूं चांदी को ट्यूशन लगा। चलो क्या हो गया, चांदी अभी बहुत छोटी है, वो कैसे ट्यूशन पढ़ाएगी? नबील, मैं चांदी को ट्यूशन पढ़ाने की बात कर रही हूँ यार। मैं अपनी नन्ही सी चांदी पर पढ़ाई का इतना बोझ नहीं डालना चाहता। मैं उसे बिल्कुल ऐसे पालना चाहता हूँ जैसे मेरे माँ बाप ने मुझे पाला। मुझे अपनी बेटी को जाहिल नहीं बनाना। अब सरत, तभी इससे बात करो, मेरा मूड पहले बड़ा खराब है। क्यों, तुम्हारे मूड को क्या हुआ? घर बैठे बैठे बोर हो गया हूँ। क्या? हाँ? तुम सच कह रहे हो नबील? हाँ जानू। तो इसका मतलब है अब तुम नौकरी करोगे? नहीं, मैं सोच रहा हूँ दूसरी शादी कर लूँ। What? हाँ जानू, मुझे लगता है इस तरह मेरी बोरियत भी खत्म हो जाएगी और तुम्हारा हाथ बटाने वाली भी आ जाएगी। कैसा? Shut up, नबील। ओके जानू। मेरा नाम महमूद है। तो आप नाम बदलने की सोच रहे हैं? अरे नाम बदलने से कौन सी किस्मत बदल जाएगी? हाय लजी, आप तो बड़े भारी भारी डायलॉग बोल रहे हैं, खैर तो है ना? यार मोमो, अब जिंदगी में वो मजा नहीं रहा। क्या हुआ आपको, रात की बिरयानी नहीं अच्छी लगी है? अरे मैं खाने की नहीं जिंदगी की बात कर रहा हूँ मोमो। मेरे लिए तो भाई खाना ही जिंदगी है। जब से सोना आया है सारी तफरी खत्म हो गई। ना आपके पास सोना कहाँ से आया है? अरे कहाँ से आया मतलब, तुम्ही ने तो दिया था। हाय मैंने आपको सोना कब दिया? अरे तुमने ही तो दिया है, फिर भूल गई क्या? जब भी मैं कहूँ मेरे सारे जेवर कहाँ चले गए हैं? आप मेरा सारा सोना बेच के खा गए। मुझे आपसे ये नवीद नहीं थी सईद। ओहो, तुमसे बात करने से तो बेहतर है कि आदमी दीवार पर टक्कर मार ले। कौन आदमी? मैं और कौन? नहीं तो आप बाहर किधर जा रहे हैं, दीवार तो ये है सामने। कितने भोले। हो गई यार नबील। किस चीज की महमूद साहब? हर चीज की यार। क्या मतलब? अरे तुम्हें कोई और औरत नहीं मिली थी माँ बनाने के लिए? क्यों, क्या कमी है खूबसूरत में? अरे मैं खूबसूरत की बात नहीं कर रहा। फिर दफा करो यार खूबसूरत को। नहीं भाई। महमूद साहब खैरियत तो है ना? आज कुछ आप ज्यादा टेंशन में लग रहे हैं। यार नबील मैं तंग आ गया हूँ इस जिंदगी से। महमूद साहब खुदकुशी क्यों नहीं कर लेते? है? सारी टेंशन यूं खत्म होंगी, यूं ट्राई करके देखे। खुदकुशी हराम है नबील। आप भी तो हड हराम है महमूद साहब, क्या फर्क पड़ता है? यार नबील मैं पहले ही बहुत गुस्से में हूँ यार, मुझे और गुस्सा मत दिलाओ। ओ दफा करे महमूद साहब, मैं बहुत बोर हो रहा हूँ, आए ताश खेलते हैं। मेरे पास पत्ते नहीं है। ओ कोई नहीं महमूद साहब, आए दरख्तों से तोड़ लेते हैं यार। वो जो दरख्तों से तोड़ने हैं वो पत्ते हैं। हाँ जी। अच्छा कौन से देखी? हाय हाय लाए माँ जी, मेरे पापा का फोन है। हाय तो तेरे पापा मेरे कान में क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आपने रिसीवर उल्टा पकड़ा था। हाय तो मैं कौन से बोल रही हूँ? हेलो जी पापा, कैसे हैं आप? हाँ पापा सॉरी, वो फोन की बैटरी मर गई थी। हाँ हाँ बोले जी जी। ओके ओ नो प्रॉब्लम, मैं नबील को एयरपोर्ट भेज देती हूँ। डोंट वरी पापा, मैं उसे समझा दूंगी। ओके बाय नबील। नबील क्या? जरा इधर आना। आता हूँ यार। हमारे घर में नहुसत कम थी जब तुम ताश भी खेलना शुरू हो गए। तो और क्या करूं, तुम दूसरी शादी भी नहीं करने दे रही हो। जानू मैं बोर हो रहा हूँ। बेफिक्र रहो, तुम्हारी बोरियत दूर होने वाली है। हैं? हाँ, पापा का फोन आया था। कितने पैसे भेज रहे हैं जानू? पैसे नहीं भेज रहे। फिर पापा के दोस्त की फैमिली ट्रांजिट पर कराची आई है, 4-5 घंटों के लिए यहाँ आ गए। यहाँ क्यों? मुझसे मिलने। तू जानू तुम खुद जाके उन्हें एयरपोर्ट पे मिल लो। नबील उन्होंने तुमसे भी मिलना है। मुझसे क्यों जानू? क्योंकि पापा ने उनसे तुम्हारी झूठी तारीफें जो कर दी हैं।
बहुत बड़ा बिजनेस है, करोड़ों का काम है और एक एक मिनट कीमती है। तुम्हारे पापा को ऐसा घटिया झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? क्योंकि अब अपने दोस्त को ये तो नहीं बता सकते थे ना कि उन्होंने अपनी अकलौती बेटी की शादी एक कंगले आदमी से कर दी है। अब सौरभ शट अप नवीन, पापा ने खास कहा है कि उनकी खातिर में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हमारे घर पर मेहमान आने वाले हैं अरफान। नबील माँ जी। नबील आ रहे हैं। माँ जी मेरे पापा के मेहमान आ रहे हैं। न तेरे पापा के मेहमान हमारे घर क्यों आ रहे? इसलिए क्योंकि हमारे घर का खर्चा मेरे पापा उठाते हैं। हाँ तो कराते भी तो वही हैं। प्लीज माँ जी मेहमानों के सामने कोई उल्टी सीधी हरकत मत कीजिएगा और अच्छा सा खाना बनाइएगा। सुन रहे बेशर्म अपनी बीवी की बातें, मुझसे खाना बनाने को कह रही है? खूबसूरत मेहमान तुम्हारे पापा के आ रहे हैं, तुम उनके लिए खाना बनाओ। अशोशे नबील, पापा ने ये कहा है कि अगर मेहमान यहाँ से खुश होके गए ना तो अगले महीने से खर्चा बढ़ा देंगे। माँ जी आप यहाँ खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हैं? जाएं जाके मेहमानों के लिए खाना बनाएं। और जाएं ना प्लीज यार। ओ माँ जी बल्कि जज्बात ना बने, जाएं खाना बनाएं, जाके ड्राइव कर रही हैं। महमूद साहब ये ने 2000 रुपया। अरे यार 2000 रुपया ज्यादा हो जाएंगे नबील, 200 की लगाते हैं। ये मैं आपको पत्ते खेलने के लिए नहीं दे रहा। फिर घर पर मेहमान आने वाले हैं, जाएं जाकर बाजार से ताजा ताजा फल लेकर आए। वो जो बाजार से लाने हैं वो ताजे ताजे फल हैं? हाँ जी। अच्छा जी, और खबरदार अगर आपने रास्ते में कोई चक मारने की कोशिश की। चलो जानू मेहमानों के इस्तकबाल की तैयारी करते हैं। नबील प्लीज मेहमानों के सामने इज्जत रख लेना, मैंने इसीलिए बच्चों को भी उनके फ्रेंड्स के घर भेजा ताकि वो मेहमानों के सामने कोई बदतमीजी ना करें। जानू तुम फिक्र ही मत करो, पता है पापा ने उन लोगों के सामने तुम्हारी बहुत तारीफें की हैं। तुमने भी अब यही जाहिर करना है कि अगर किसी के पास इस मुल्क में पैसा है ना तो वो तो बस। जानू मैंने कह दिया ना तुम फिक्र ही ना करो। अब प्लीज कोई ढंग के कपड़े पहन लेना यार। जानू शादी वाला सूट पहन लूं? नबील वो भी तुमने किसी से मांग के पहना था। तो जानू वापस थोड़ा किए? What? हाँ जानू। बस नबी अब तुमने उन लोगों के सामने ये जाहिर करना है कि अगर इस दुनिया में किसी के पास पैसा है ना तो वो तुम हो। तुम फिक्र ही मत करो जानू, और प्लीज कोई ढंग के कपड़े पहन लेना। जानू अपनी शादी का सूट पहन लूँ? शादी का सूट तो तुमने खुद मांग के पहना था। तो जानू वापस थोड़ा किए? What? हाँ जानू। माँ जी ये क्या कर रही हैं आप? मैं सबर खा रही हूँ फरखंदा। फल? हाँ मैं सबर का फल खा रही हूँ। माँ जी ये फल मेहमानों के लिए है यार, खाने के लिए नहीं है। अरे मेहमानों के खाने के लिए है माँ जी। उनके खाने के लिए मैं खाना बना रही हूँ ना सादिया। वो फल भी खाएंगे माँ जी। हाँ तो मैं थोड़े से फल छोड़ दूंगी ना उनके लिए। महमूद साहब, महमूद साहब क्या हुआ भाई? देखिए माँ जी को। अरे कितनी फ्रेश लग रही हो तुम मोमो। ये सब इन सब्जियों का कमाल है जमाल। महमूद। हाँ ये सब महमूद का कमाल है जलाल। फलों का लगता है वो लोग आ गए। माँ जी आप इसे छोड़े ना, महमूद साहब आप उन्हें लेकर आए। अरे भाई ऐसे क्यों देख रहे हो, पहचाना नहीं क्या? क्या टेलीफोन नहीं आया था? जीजी आया था। हम भी आ गए। आप जीजी हैं? अरे क्या अंदर आने को नहीं कहोगे? आपके शौहर बुरा तो नहीं मानेंगे? अरे मियाँ हम क्यों बुरा मानेंगे, हम भी तो अंदर जाएंगे। तो फिर आइए अंदर। अब्बा मुझे भूख लग रही है। अरे जरा सबर कर, अंदर तो चल। आइए आइए आइए। आप लोग बैठे ना प्लीज। बैठे बैठे। ये कौन है? ये हमारा बच्चा है बिल्ला। बिल्ला? बिल्ला नहीं बिल्ला। अच्छा तो इसको लॉन में छोड़ देना बेटा शकीला, जाके इसके लिए कटोरी में दूध दूध रख दे। माँ जी ये बिल्ली का बच्चा नहीं है, इंसानों का बच्चा है। हाँ तो फिर नाम भी इंसानों के बच्चों वाले होने चाहिए ना। आप लोग बुरा मत मानिएगा, माँ जी की तो आदत है मजाक करने की। ये है कौन? ये माँ जी है और ये है उनके शौहर महमूद साहब। और आप कौन है? मैं खूबसूरत हूँ। अरे ऐसी वैसी
भाई ये वो लड़का कहाँ है जिसकी इतनी तारीफें सुनी है हमने? आप शायद मेरे बारे में पूछ रहे हैं। अरे हम लड़के का पूछ रहे हैं। जी जी नबील, नबील मैं बुलाती हूँ। नबील, नबील महमूद साहब आप जाए ना, बुलाए नबील को। अब वो जिसे अंदर से बुलाना है वो नबील है। हाँ जी। अच्छा जी नबील, नबील जल्दी बाहर निकलो भाई, मेहमान आ गए। तुम इस वक्त मुझे जॉनी ब्रावो के बड़े भाई टॉमी ब्रावो लग रहे हो। अभी जल्दी आओ ना। आइए आइए, ये है नबील। ठीक है ना जी, बिल्कुल हीरो है ना मेरा पुत्र। कितना अच्छा लड़का है। नबील ये आंटी है और ये अंकल। हेलो अंकल, हेलो आंटी, हाउ यू डूइंग। अरे लड़की की अंग्रेजी कितनी अच्छी है। कौन सा लड़का? अरे तुम इस लड़की से फुर्सत मिले तो तुम्हें पता चले ये लड़का और कौन। सॉरी। तुम घर चलो, तुम्हें मैं बताती हूँ। बेटा बैठ जाओ। अरे नहीं, बैठने की क्या जरूरत है? आप लोगों को पता नहीं है मेरा एक एक मिनट कितना कीमती है। लाखों रुपए की डील करता हूँ मैं एक मिनट में। करोड़ों की? हाँ करोड़ों की, करोड़ों की। आप लोगों की वजह से मेरा करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाएगा, लेकिन कोई मसला नहीं, मैं नुकसान कर दूंगा। डेकोरेशन पीस तोड़ दिया तुमने। बेटा कोई चोट तो नहीं लगी? नहीं नहीं अंकल नहीं। अरे भाई कोई महंगा डेकोरेशन पीस था क्या? अरे नहीं ज्यादा महंगा नहीं था, 10 लाख का था सर, इटली से मंगवाया था। क्या अम्मा इसके टुकड़े उठा के बाहर ले जाके भेज दें? अरे इंसान का बच्चापन, तुम्हें कितनी बार मना किया है कि इसे किसी अच्छी जगह लेके मत आया करो। अरे तो कहाँ छोड़कर आती मैं? अरे तो तमीज सिखानी थी इस गधे को। अरे तुम तो घर चलो, तुमसे तो घर जाके बात होगी। आप लोग लड़े तो मत, बच्चा है हो जाता है। हमारा भी ना ऐसे ही बड़ा प्यारा कयूट सा बच्चा है छोटा सा। अम्मा जी खाना लग गया क्या? क्यों तुझे जलने की बहू आ रही है? अब मेरा मतलब है माँ जी अब चले खाना लगाते हैं, बड़ी भूख लग रही होगी ना इन्हें। क्यों अंकल? अरे अब तो शर्म करो, तुम्हें अंकल कह रही है। हाँ भाई भूख तो मुझे भी बहुत लगी हुई है, सुबह से नाश्ता नहीं किया, ख्वार हो रहे हैं। मेरी रोलेक्स में दोपहर के 2:30 बज रहे हैं। कोई फायदा नहीं है नबील, इन लोगों का ध्यान तुम्हारी तरफ नहीं है। तो फिर कहाँ है? देखो जरा। अम्मा और आलू बीमा दो ना। ले खा खा खा, ऐसा हो गया। बहुत ही नियत खराब लग रहा है भाई। अरे इससे तो मैं घर जाके निपटूंगी। मेरा ख्याल है नबील हम इन्हें ना डिस्टर्ब नहीं करते, आओ हम उठकर बाहर लॉन में चलते। बिस्किट नहीं है क्या? चुप कर जा नबील। जानू ये तुम्हारे पापा ने किन लोगों को यहाँ भेज दिया? नबील हो सकता है कि हमें चेक कर रहे हो यार। वैसे इतने पक्के एक्टर लगते नहीं है ये मुझे। हाँ मियाँ यहाँ पहुँच गए, खाना भी खा लिया, इनके लॉन में बैठकर अब चाय पी रहे हैं। हाँ नबील लगता है पापा का फोन है। भाई बड़े ही अच्छे लोग हैं, तुमने जैसे कहा था उससे ज्यादा मेहमान नवाज है। हाँ अरे लड़का तो हमें सबसे ज्यादा पसंद आया। अब तो खुश है ना जानू? हाँ। इसके पैसे मैं तुम्हारे पापा से अलग लूंगा। शट अप नबील। और मियाँ सुनाइए आपका कोई बिजनेस है? हाँ? पुत्र तूने बिजनेस कब शुरू किया है? है? नहीं असल में माँ जी को ना वो भूलने की आदत है। हाँ हाँ मेरे तो बहुत सारे बिजनेस हैं। किस चीज के? मेहमान साहब। हाँ हाँ किस चीज के? अरे कोई एक हो तो बताओ। पुत्र कोई एक ही बता दे चल। मेरी तौलिया बनाने की फैक्ट्री है माँ जी। हाँ हाँ फिर भी ना हम बेड की चादरों से मुँह पोछते हैं क्यों? ये घर आपका अपना है? आप बोल बच्चू। अरे ये क्या, मेरे तो और भी कई घर है। वो सारे घर किराए पे दे के हम इस किराए के घर में आ गए। क्यों नबील? असल में पैसा कहीं तो खर्च करना है। अरे वाह वाह भाई वाह। ओए बाबू, ओए आई मैं दूध का बिल लिए बाहर नहीं जाऊंगा। ओए दरवाजा खोलो, और 3 महीने से दूध का बिल नहीं दिया, निकालो पैसे तुम्हारी तब। ये कौन है, ये किसकी आवाज है? होगा कोई गरीब आदमी जिसने 3 महीने से दूध का बिल नहीं दिया होगा। मदद मांगने आया होगा।
आप लोग एक काम करें, आप लोग अंदर जाएं, मैं जरा मसला हल करके आता हूँ। वो जो तुम उसका हल करके आओगे वो मसला होगा। महमूद साहब आप इन लोगों को अंदर लेके जाएं, वरना मसला ज्यादा होगा। अच्छा आइए। अरे मोमो अगले इतवार को हम भी आएंगे। अरे आप बकवास कर रहे हो, जिस काम से आए हो वो तो करो। अरे भाई खाना पीना हो गया है, अब काम की बात करें। काम की बात? हाँ भाई, जिस काम के लिए आए थे। किस काम के लिए आए थे? अरे भाई लड़का हमें पसंद आ गया है। कौन लड़का? लगता है मुझे कह रहे हैं। अरे भाई हम इस अमीर लौंडे की बात कर रहे हैं। बेगम अंगूठी निकालो, इसे पहनाओ। अरे आप क्या कर रही हैं? मैं अपने दामाद को अंगूठी पहना रही हूँ। क्या आपकी हिम्मत कैसे हुई हरकत करने की? अरे लड़की अपनी खाल में रह। तुझे उन्होंने फोन करके नहीं बताया हम किस लिए आए? नहीं मुझे तो उन्होंने कुछ नहीं बताया। अरे छोड़ो तुम, इधर आओ मेरी बात सुनो। मुबारक हो, मुबारक। काम हो गया हा? दो रकात शुक्राने के नफल पढ़ ले। अरे लौंडा मिल गया लौंडा। अरे करोड़पति है करोड़पति, ऐश करेगी ऐश। और सुन हमारा महीना बांधना मत भूलना। अल्लाह हाफिज। क्या कह रही थी? अरे कहना क्या है, खुशी के मारे चीख रही थी। हाय मेरी बच्ची। अरे दामाद से कह के उसका इलाज करा लेते हाथ के हाथ। हाँ ये ठीक है। चलो वो लड़की कहाँ है? वो शायद मशवरा करने गई है। हेलो जी पापा। पापा आपने किन लोगों को हमारे घर भेज दिया? बड़े अजीब लोग हैं पापा। उन्होंने नबील को अंगूठी पहना दी है और कह रहे लड़का पसंद आ गया। क्या आपके घर कराची आए नहीं है? तो ये कौन लोग हैं? अबे एक सेम तेरा, एक सेम तेरे। अबे नदीले इधर आओ, इधर अंदर बैठ के खा ले। अरे बहन मुंह मीठा कराओ। बाजी मैंने चाय में चीनी तो मलाई थी ना। अरे चाय में चीनी नहीं, मैं तो मिठाई खा के जाऊंगी, मुंह मीठा करके जाऊंगी। नबील क्या हुआ? जानू जानू नबील पापा के दोस्त की फैमिली तो कराची आई नहीं है। क्या? हाँ। अरे भाई तो फिर ये लोग कौन है? कौन है भाई आप लोग? अरे हम गजाला के माँ बाप हैं। कौन गजाला? अरे हमारी लड़की, हम उसके लिए यहाँ लड़का देखने आए थे। अरे आप लोग गलत घर में आ गए हैं। क्यों? ये घर असलम साहब का नहीं है क्या? असलम साहब का तो बराबर वाला घर है। नबील फौरन अंगूठी उतार के ने वापस करो। ओके जानू। खबरदार जो अंगूठी उतारी, हमारे खानदान में अंगूठी उतारने पर खत्म हो जाते हैं। आओ हम अंदर चलते हैं, मैं इस उम्र में खून खराबा नहीं देख सकता। अंकल मैं शादीशुदा आदमी हूँ। हाँ और मैं इसकी बीवी हूँ। अरे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके पास तो बादशाह जितना पैसा है, ये तो 10-10 बीवियाँ रख सकता है। क्यों? और नहीं तो क्या, वैसे भी अपनी लड़की की शादी नहीं हो रही थी, किस्मत से लड़का मिला, अब तो शादी इसी से होगी। नबील तुम अंगूठी उतारो। वे उतार के तो दिखा, मेरी बेटी के साथ धोखा मत करना। नबील जानू मैं क्या करूं? बेगम ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे उठा के ले जाना पड़ेगा।